हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। और बेसिकली आपके चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से। एक तो फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा मैचिंग वाला बनता है, तीसरा स्टेटमेंट वाले बनते हैं, और चौथा आपके असम्पशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चारों प्रकार से कौन से पैराग्राफ आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे लैंग्वेज घुमाएगा, तो इन सब चीज़ों के साथ टैकल करते हुए अपने एनसीईआरटी चैप्टर 2, 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 टैकल करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास पसंद आए तो। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी कि जो व्यापार है, व्यापार से साम्राज्य तक जो कंपनी की सत्ता स्थापित कैसे हुई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। कह रहा है कि मुगल, एक मिनट मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ जिससे कि चीज़ों को आसानी से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। चलो, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह हो जाते हैं। तो मुगल बादशाह में जो औरंगजेब थे वो आखिरी क्या है आपके शक्तिशाली बादशाह हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वर्तमान में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? वो 1707 में मृत्यु होती है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। और आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन हो जाते हैं? तो वो आपके औरंगजेब हो जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे, जैसा कि आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यानी कि जब क्षेत्रीय रियासतें अपने 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 अपना कब्जा जमा लेंगी तो वो दिल्ली एक केंद्रीय रूप में क्या प्रभावी नहीं रह पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? यानी कि जो अंग्रेज हैं वो एक पहले क्या आए थे, एक छोटी सी कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जा उनके ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि उनका कब्जा करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वे इन इन एक दिन में एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे ये चीजें हुई। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। जो कैप्टन हडसन थे, कौन थे? कैप्टन हडसन थे, उनके द्वारा किसकी, बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके बहादुर शाह जफर के बेटे को किसने गिरफ्तार किया था, तो वो कैप्टन हडसन हो जाते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। यानी कोई शक्तिशाली राजा तो नहीं हुआ, पर प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह बने हुए थे। जब 1857 में ब्रिटिश शासन का विद्रोह हुआ, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया, जनता ने विद्रोह किया। विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। ठीक है, जो विद्रोही थे, जब झांसी की रानी, देखती हूँ ना, 1857 का विद्रोह, उसी की बात चल रही है। तो उन विद्रोहियों ने क्या किया, अब बहादुर शाह जफर को क्या माना, अपना नेता मान लिया। जब एक मिनट जब विद्रोह कुचल जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने मार डाला। यानी कि बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, देश छोड़ने को मजबूर किया गया और उनके बेटे को बहादुर शाह जफर के सामने ही क्या कर दिया था, मार डाला गया था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, चैप्टर बहुत बड़े हैं, आपको पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी चीज़ है, अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ें आप क्लियर रखोगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, अब क्या है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना जाना। ठीक है, पूर्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं 1600 ईस्वी की। कब की? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि एलिजाबेथ से कंपनी ने ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए कब चार्टर हासिल किया था, तो वो 1600 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यानी कि पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को कब मिला, तो वो 1600 ईस्वी में मिला था, जब एलिजाबेथ ने चार्टर क्या किया था, चार्टर अर्थात इजाजतनामा कंपनियों को दिया था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस इजाजतनामा का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों और खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, यानी कि जो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट लागू किया, सॉरी, जो चार्टर कंपनी को दिया था, उसका मतलब ये था कि जो भी इंग्लैंड की ये कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके अलावा और कोई कंपनी वहाँ नहीं जा सकती है, ना कोई कंपनी इसके अगेंस्ट आ सकती है। सिर्फ यही लोग व्यापार कर सकते हैं, वहाँ से सस्ती चीज़ें खरीद कर और यूरोप में महंगे तौर पर बेच सकते हैं। तो इस इजाजतनामा या चार्टर एक्ट का यही मतलब था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी को दूसरी और अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी कि उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर जो प्रतिस्पर्धा थी उससे बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तब भी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। यानी कि कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है तो हम उन चीजों को अपने मनमानी तौर पर बेच सकते हैं। यानी कि सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। अगर कोई हमारे अगेंस्ट है, अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, तो वो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, अगर हम 200 की चीज बेच रहे हैं तो वो हमें 190 में देगा, तो लोग वहां से ले लेंगे। तो ये चीजें चल रही थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकती थी। यानी कि जो दूसरी यूरोपीय ताकतें थी उन्हें नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि जैसे ही ये लोग क्या करते थे, अपने जहाज पर माल वगैरह भरकर कहाँ से, इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कहाँ से, केप ऑफ गुड को चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक क्या हुआ, पुर्तगालियों ने अपने पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा आगे बढ़ेंगे। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने कहाँ को अपना ठिकाना बनाया था? गोवा को। पुर्तगाली की खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का कि इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो आपको मैंने ये पहले पढ़ा दिया है, यानी कि वास्को डिगामा ने 1458 में भारत पहुंचने का एक समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर व्यापारी संभावना तलाशने लगे थे। यानी कि डच व्यापारी भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी व्यापारी सामने आने लगे थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आने का क्रम क्या था, तो पहले आए थे आपके पोर्तुजी, फिर डच, फिर इंग्लिश और फिर फ्रेंच। तो इसको आप याद रखोगे PDEF से। ठीक है, PDEF होती है, बस यहाँ पे ई लगा देना, तो PDEF आने का क्रम, क्योंकि कंपनी के आने का क्रम पूछता है। तो PDEF यानी कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ईस्ट इंडिया यानी कि अंग्रेज लोग आए और फ्रेंच लोग आए। तो इस चीज को आप लिख लीजिए PDEF। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। समस्या आई थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजों को खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीकी सूत कपड़े रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। ठीक है, तो भारत के जो सूती कपड़े थे, रेशम कपड़े थे, उनकी मांग थी। उसके अलावा मिर्च, दालचीनी, लौंग, इनकी भी मांग बहुत ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ को शुरू कर दिया। यानी कि जो कंपनियां आई थी उन्होंने सोचा कि जब दाम बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इन कंपनियों को ही समाप्त कर दिया जाए, तो इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है,
17वीं और 18वीं सदी तक जब भी मौका मिलता, कोई सी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को क्या करती, डुबा देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों के आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, यानी कि जो ये व्यापार था अब हथियारों की मदद से चलने लगा था। लोग कभी भी किसी पर हमला कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और व्यापारी चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद रखने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। यानी कि जब अंग्रेजों ने क्या किया, कंपनियों को किलेबंद किया, तो जो स्थानीय शासक थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया इस चीज पर। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें आगे कैसे क्या चीजें चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ पर व्यापार शुरू करती है, बंगाल में शुरू करती है। तो क्या है, पहली ईस्ट इंडिया फैक्ट्री, जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर खुली, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। इस चीज का ध्यान रखेंगे, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जो कंपनी में काम करते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, ठीक है, मजदूरों को नहीं, व्यापारियों को, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जा सकता था। तो वेयर हाउस के बारे में पूछ सकता क्या होता है, तो वेयर हाउस उसे कहते हैं जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी ली। यानी कि 1696 में कंपनी ने आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू किया। उसके 2 साल बाद यानी 1698 में क्या किया उन्होंने, मुगल अफसरों से क्या किया, रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद लिया। कौन कौन से 3 गांव थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें से एक गाँव था कालीकाता। कौन था, कालीकाता के था, जो बाद में क्या बना, कलकत्ता। यानी कि पहला गांव था कालीकाता, दूसरा था सूतानाती और तीसरा एक और था, मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा है, इसमें आगे आएगा मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो पहला गांव था, यानी कि 3 गांव की क्या ली थी उन्होंने, जमींदारी खरीद ली थी। एक गांव था कालीकाता जिसको बाद में कलकत्ता बनाया, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। किसको, औरंगजेब को तैयार किया था। किसको, औरंगजेब को, कि कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सके, यानी कि जो ट्रेड चल रहा है उसमें कोई शुल्क ना देना पड़े कंपनी को। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी। यानी कि जो कंपनी आई हुई थी, चार्टर एक्ट एलिजाबेथ ने जारी किया था, सिर्फ उसे ही फरमान मिला था, लेकिन जो निजी तौर पर कंपनियां चला रहे थे उन्हें ये चीजें नहीं दी गई थी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन कर देगा कि कंपनी के जो निजी अफसर थे उन्हें व्यापारिक तौर पर औरंगजेब द्वारा शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओनली कंपनी को दी गई थी, निजी तौर वाले को नहीं दी गई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इंकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। जब कंपनी को माफ किया गया तो निजी ठेकेदारों ने भी मना कर दिया। इससे क्या हुआ, बंगाल की राजस्व वसूली क्या हुई, कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध क्यों ना करते, तो जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इस चीज का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिल रहा था, कर नहीं मिल रहा था। जब कर नहीं मिलेगा तो राज्य कैसे चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्रास के जहाजों के सामने लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिस्टन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या चीजें कैसे चल रही हैं। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत ही एफर्ट लगता है पढ़ाने में, गले में पेन होता है पढ़ाते पढ़ाते। आप कभी एक क्लास लेकर देखिए, आपको पता चलेगा कैसे दर्द होता है। ये खड़े हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव जी। ठीक है,
व्यापार से युद्ध तक, यानी कि जो व्यापार था व्यापार से कैसे युद्ध तक चीजें गई वो जानेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। जो कंपनी थी वो नवाबों का जो टकराव था वो 18वीं सदी तक काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बंगाल के नवाब क्या करने लगे, अपनी ताकत दिखाने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति में भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला खान बंगाल के नवाब बने। तो ये सीरीज याद रखेंगे, मुर्शिद कुली खान पहले नवाब बने, उसके बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला खान नवाब बने। सीरीज से क्वेश्चन पूछ लेगा तो मुर्शिद अली और सिराजुद्दौला, इनको आप सीरीज में याद रखोगे, ठीक है। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बाद कंपनी से नजराने मांगने, उसे सिक्का ढालने का अधिकार नहीं था और उसे उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत क्या हो रही है, कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उन अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनः निर्माण करना होगा। तो कंपनी अब व्यापार के लिए सारी चीजें कर रही थी, ठीक है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव का परिणाम क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ। इन टकराव का जो टकराव चल रहे थे नवाबों और इनके बीच में, ये क्या है, ये एक युद्ध का कारण बने। और इस युद्ध का कारण क्या था, आपका प्लासी का युद्ध था। जानेंगे क्या है, इम्पोर्टेंट युद्ध हो जाता है। तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद, ठीक है, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई, 1756 में हुई। उसके बाद कौन आ जाते हैं, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाओं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बनाया दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, यानी कि जो हमारा राजनीतिक मामला है उसमें कंपनी टांग ना अड़ाए। सिराजुद्दौला ने ये बात कही उनसे, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ मानने वाली है, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री, कहाँ पर, कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या किया, हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया, यानी कि पहले कासिम बाजार पर कब्जा किया, फिर कहाँ कर रहा है सिराजुद्दौला कब्जा, तो कलकत्ता में कर रहा है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के सेनाओं को रवाना कर दिया, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उनकी सेनाओं को रवाना कर दिया। तो ये सिराजुद्दौला सारी चीजें कर रहा है। सिराजुद्दौला ने पहले किस पर कब्जा किया था, तो वो कासिम बाजार पर, फिर किस पर किया था, फिर आपका किस पर किया था, फिर कलकत्ता पर कब्जा किया। जैसे ही कलकत्ता पर कब्जा हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाएं और आई और फिर क्या हुआ, जानेंगे आगे, ठीक है। तो ये स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं समझा रही हूँ, उसे समझते चलना है, क्या क्या चीजें चल रही थी और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलती हूँ खुद ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, लंबा चैप्टर है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। आज की मेहनत कल रंग लाएगी और हम बहुत अच्छे से खुश रहेंगे और याद करेंगे कि हमारी क्या जर्नी थी, किस तरह से हम मेहनत कर रहे थे। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, जो नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी उसको किसकी मदद मिल रही थी, तो उन्हें नौसैनिक की मदद मिल रही थी, ठीक है। आखिरकार 1757, कब की बात है, आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्रासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी, यानी कि जो मीर जाफर था उसने उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला का। जब सिराजुद्दौला का धोखा दिया गया तभी वह हार आ गया। तो मीर सिराजुद्दौला की हार के कारण कौन बना, सेनापति मीर जाफर बना, ठीक है।
मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो देखो, जब अपना ही कोई हमें क्या करता है, धोखा देता है, तभी हम आगे यानी कि दुश्मनों से हार जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, वही चीजें हैं। संपन्नता का आश्वासन क्या होता है देखेंगे। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। जो इंग्लैंड के लोग थे वो इनको संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी। लिखा क्या लिखा है इन्होंने, इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता का वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन स्मृत रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिन की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जो जिस पर इतना शोर मचाना उचित होगा। तो ये कोटेशन दे देता और पूछ लेता है किसने कहा है, तो आप बता दो किसने कहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा है, क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। अब ये देख लेते हैं ये क्या है। तो महान्यायालय कच्छ, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस की बैठक होती है। ऐसा ही चित्र एक सभा का है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बताते चलेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी अपना चैप्टर फिनिश करते हैं एंड कंटिन्यू बनाए रखते हैं। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की बड़ी जीत थी। ठीक है, तो प्लासी की जंग जो है पढ़ते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला मार दिया गया, मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। ठीक है, उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। यानी कि कंपनी अभी भी राज्य करने के मूड में नहीं थी, सिर्फ अपना व्यापार, अभी भी व्यापार के लिए ही सोच रही थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते हैं। जो कठपुतली नवाब हैं वो भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते हैं। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संपन्नता का क्या करना पड़ता है, दिखावा। तो फिर कंपनी क्या करती है, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर क्या किया, मीर जाफर के बाद कौन आ गया था, मीर कासिम को नवाब बना दिया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कौन आए थे, मुर्शिद कुली खान, फिर अली अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, फिर आपके मीर जाफर और फिर आपके मीर कासिम। तो सीरीज वाइज इसे लिख लीजिएगा, यहाँ से सीरीज का क्वेश्चन बन सकता है। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। यानी कि जब मीर कासिम ने कंपनी के चीजों को मानने से मना कर दिया, तब कब बक्सर की लड़ाई हुई, कब, 1764 में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, और उन्हें हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया था। ठीक है, पहले मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठाया गया, फिर मीर कासिम ने जब कंपनी की बात नहीं मानी तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और युद्ध करके उसे हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया। अब नवाब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। जो भी नवाब बना था वो क्या करता था, कंपनी को 5 लाख रुपए देता था हर महीने। कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो मीर जाफर की मृत्यु कब हुई, 1765 में हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल गए। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही क्या बनना पड़ेगा, नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, तो 1765 के बाद ये चीजें चल रही थी। आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो 1765 में कंपनी को क्या किया गया, बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व का संसाधन नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई क्या नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी।
प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद जो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रहती थी, यानी कि पहले क्या होता था कि भारत से चीजें नहीं मिल रही थी तो ब्रिटेन से सोना वगैरह लाया जाता था और उसके बदले व्यापार किया जाता था। फिर क्या हुआ, फिर बंगाल की दीवानी मिल गई, उनके पास पैसा आने लगा तो भारत का पैसा भारत के ही व्यापार पे यूज करने लगे, यानी भारत का पैसा अपने व्यापार पे यूज करने लगे। वहां से जो सोना सिक्का आ रहे थे वो बंद कर दिए गए। ठीक है, अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी के खर्चे चला सकती थी, वही मैं चीज आपको बता रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो ये सारी चीजें कंपनी कर सकती थी। ठीक है, इन चीजों को ध्यान से देखें। चलो आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ाते चलेंगे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, जो कंपनी के अफसर थे वो क्या बन गए, वो नवाब बन बैठे। क्या है देखेंगे, नवाब बनने का क्या मतलब है। इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, यानी कि जो नवाब बनने के फायदे थे वो अलग आ रहे थे, लेकिन कंपनी का जो कर्मचारी था वो भी अब नवाब बनने के क्या देखने लगा, सपना देखने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है देखो, चलो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बात कर दिया गया कि वे कंपनी, 1 मिनट एक्स्ट्रा ही चल रहा है ये पेन, कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी कि जो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के असली नवाब थे उनसे ये उम्मीद की गई कि वे निजी तौर पर कंपनी को बहुत सारा पैसा और जमीन दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। जो रॉबर्ट क्लाइव था उन्होंने भी भारत की क्या की थी, बेहिसाब दौलत और जमा कर ली थी। कि 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई आया था, तो उसकी उम्र कितनी थी, 18 साल की थी। वो 1767 में 2 बार गवर्नर जनरल बन चुका था। बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ और उसकी दौलत कितनी थी, इतनी पौंड थी, 401 और 102 पौंड के बराबर थी। यानी कि महज 18 साल की उम्र में इतने पौंड उसके पास दौलत थी और 2 बार वो गवर्नर जनरल बन चुका था। और 1743 ईस्वी में वह जब इंग्लैंड से मद्रास आया था तब वह 18 साल का था और इतनी दौलत उसने क्या कर ली थी, जमा कर ली थी, और 1767 तक जाते जाते। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना मुनाफा इन्होंने भारत से कमाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कम उम्र में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, तो वो रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं। कितनी उम्र में, तो 18 साल की उम्र में, और भारत से कब रवाना हुए, तो 1767 में। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे काल में उसकी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। यानी कि 1722 में भ्रष्टाचार, यानी कि फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, लेकिन 1722 में ब्रिटिश संसद ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी किसे, रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों, सरकार को उसकी आकूत संपत्ति के स्रोत पर संदेहास्पद लग रहे थे, यानी कि जो संपत्ति थी उस पर सरकार ने उन पर संदेह किया, उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने क्या कर ली थी, आत्महत्या। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने आत्महत्या की थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे बढ़ते हैं, डेट से याद रखना है इसके। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा कर नहीं कर पाए, बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में भी ठीक ठाक पैसे कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर गए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और उन्हें वहाँ लोगों ने नवाब कहते थे, यानी कि जो वे लोग गए उन्हें वहाँ पर क्या कहा गया, नवाब कहा जाता था। ठीक है, यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बना, यानी कि जो भारतीय शब्द था नवाब उसका अंग्रेजी संस्करण नवाब बना। ठीक है, क्या बना, नवाब बना। उन्होंने लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका क्या किया गया, मजाक उड़ाया
जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। क्लाइव जो था वो खुद को कैसे देखता था, एक बार पढ़ लेते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उसने कहा, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। तब एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोने और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यानी कि वो अपनी सफाई दे रहा, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कंपनी का फैलता शासन, जो कंपनी थी उसका जो शासन फैल रहा था, वो कैसे क्या चीजें चल रही थी जानेंगे। यही चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़ा है। फिर आगे छोटे छोटे, यदि आप 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रतिक्रिया को देखेंगे तो महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। तो कब से कब तक ये चीजें देख रहे हैं हम, 1757 से 1857, यानी कि 100 साल के बीच का शासन देख रहे हैं। क्या है देखेंगे। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का क्या किया, उसने इस्तेमाल किया, यानी कि यूज किया। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कब होती है, 1664 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेजिडेंट वह होता है, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं। जो रेजिडेंट होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। यानी कि क्या करने लगे थे, भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में दखल देने लगे थे। रेजिडेंट क्या होते थे, जिस राज्य पर कंपनी अपने रेजिडेंट स्थापित करती थी तो वहां पर वो क्या करते थे, अपनी सैनिक की टुकड़ी भेजती थी। वे उस राज्य की रक्षा करते थे, उनका ध्यान रखते थे और जो रेजिडेंट का खर्चा होता था उसी राज्य द्वारा उन्हें उनसे दिलवाया जाता था वेतन वगैरह, ठीक है। और अगर रेजिडेंट कई बार क्या करते थे, राज्य के भीतरी मामलों में दखल देते थे और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे, ठीक है, जहाँ पर रेजिडेंट भेजी जाती थी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। क्या थोपी, सहायक संधि थोपी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो सहायक संधि मान लेती थी, सहायक संधि मान लेती थी या स्वीकार कर लेती थी, वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखती थी। वहां पर क्या होता था, वहां पर ये लोग अपनी सेनाएं भेजते थे। देखेंगे क्या होगा। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। क्या मिलती थी, कंपनी की, यानी कि अपनी जो स्वतंत्र सेनाएं थी उन्हें हटा दिया जाता था। कंपनी की तरफ से सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड पैलेजली, कौन, रिचर्ड पैलेजली जनरल गवर्नर जनरल 1758-1805, यानी कि 1758-1805 के बीच में कौन गवर्नर जनरल था, रिचर्ड पैलेजली थे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उस समय अवध के नवाब कौन थे, तो अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका क्या कर दिया था, कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए। जो सहायक सेना थी उसे पैसा देने में अवध के नवाब चूक गए और उन्हें अपना आधा राज कंपनी को सौंपना पड़ा, ठीक है। इस आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए। तो ये सहायक संधि थी जो थोपी जा रही थी, ठीक है। अब रेजिडेंट क्या था, रेजिडेंट की ताकत क्या थी, ये जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने क्या लिखा है, देखेंगे। जेम्स मिल जो अभी हम पढ़ चुके हैं, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेध आज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माकिफ काम करता था तो चीजें आराम से चलती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। कभी जब भी कुछ गलत, सॉरी, अलग तरह का घटता था तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था तो ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी और उनसे टकराव का
क्या हो जाती थी, उथल पुथल होने लगती थी। यानी कि जब ये रेजिडेंट राजा लोग रखते थे, जब तक रेजिडेंट की बात मानेंगे, उनको रखेंगे, तब तक तो चीजें सही चल रही। पर रेजिडेंट लोग क्या करते थे, राज्य के कामों में दखलंदाजी देते थे, आंतरिक मामलों में। तो राजा लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती थी, जिससे ये लड़ाइयाँ होती थी और उनका जो राज था उन्हें क्या कर लिया जाता था, कब्जे में कर लिया जाता था। ठीक है, अभी आप पिक्चर देख पा रहे होगे, क्या है जानेंगे। अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला किली कटल द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यह यहाँ वाय रेजिडेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शाही शान और शौकत दिखाई जा रही है। यानी कि यहाँ पे भी इनकी एक रेजिडेंट स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, रेजिडेंट स्थापित करने का बेसिकली मतलब यही था कि उन पर निगरानी करना। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। जो सुल्तान के कदम चल रहे थे उनसे, एक मिनट, मैंने पूरा पढ़ा है कि कहीं कोई स्किप कर दिया। हाँ, थोड़ा सा स्किप हो गया है, पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। जो टीपू सुल्तान थे उनको क्या कहा जाता था, उनको शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव पर रास्ता भी अपनाया। यानी कि जब सैनिकों को लगा कि कंपनी पर खतरा है, तो उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष टकराव का भी रास्ता अपनाया, यानी कि डायरेक्ट युद्ध। दक्षिण भारत राज्य के उदाहरण उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। जो दक्षिण भारतीय राज्य थी वहां से हम ये चीजें समझेंगे। बात करता हैदर अली शासन। हैदर अली का शासन 1761 से 1782 तक रहा। ठीक है, जो हैदर अली थे उनका शासन 1761 से 1782 तक रहा। उनके विख्यात पुत्र कौन थे, टीपू सुल्तान, शासन 1782 से 1799 तक रहा। तो हैदर अली का शासन 1761 से 1782 और टीपू सुल्तान का 782 से 1799 तक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापारिक मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, जब से कंपनियां काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, क्या चंदन की लकड़ी, ध्यान से सुनना, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची पर रोक लगा दी। निर्यात पर यानी कि व्यापार पर रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से क्या किया, रोका। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से क्या किया, घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या किया, आधुनिकीकरण किया। तो किसकी मदद से, फ्रांसीसी सेना की मदद से। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे क्या है चीजें। तो आपको क्या लगता है, ये चीजें सही है, मतलब क्या टीपू सुल्तान को ये सब चीजें करने में अंग्रेज कुछ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे भाई, क्योंकि उनका व्यापार नष्ट हो रहा है। ठीक है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज क्या हुए, आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी खतरनाक दिखाई देते थे। उनको क्या कर रहे थे, जो हैदर अली थे, टीपू सुल्तान, उन्हें खतरनाक और घमंडी दिखाई दे रहे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना, कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार जंग हुए। ठीक है, कितनी बार, 4 बार। पहली कब हुई, पहली 1767 से 1769, दूसरी 80 से 84 और तीसरी 90 से 92 और एक लास्ट में 99 में। तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में, जो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग थी, उस जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वेडियार राजवंश को सौंप दिया गया और इसके साथ मैसूर पर क्या कर दी गई, सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, तो ये चारों युद्ध आप याद रखोगे, 1767 से 1769, और लास्ट में हुआ था 1799 में, श्रीरंगपट्टनम में युद्ध हुआ था, जिस पर क्या हुआ, टीपू सुल्तान को क्या किया गया, टीपू सुल्तान अपनी जो राजधानी है उसकी रक्षा करते हुए मारे गए। और वहां का जो वंश था वो किसको सौंप दिया गया, तो वेडियार, यानी कि जो मैसूर वंश था, मैसूर राज्य था, उसे वेडियार वंश को सौंप दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख लेंगे। ठीक है, मैसूर राजकाज पुराने वेडियार वंश के हाथ में सौंप दिया गया और मैसूर पर क्या क्या थोपी गई, सहायक संधि थोपी गई। ठीक है, ये देखेंगे। और भी चीजें थी,
टीपू सुल्तान के बेटकों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया गया, यानी कि टीपू सुल्तान के जो बेटे थे उनको क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, जो कंपनी की फौज थी उसे कई बार हैदर अली और टीपू सुल्तान ने हराया, लेकिन 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को क्या किया गया, बंदी बनाया गया के रूप में रखा गया, और जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, टीपू सुल्तान के साथ क्या थे, जो मराठा और हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान के साथ लड़ रहे थे, पर लास्ट में जब 1792 का युद्ध हुआ तो मराठा और हैदराबाद किसके साथ हो गए, ईस्ट इंडिया के साथ हो गए, और कंपनी के साथ मिलने के बाद उन्हें क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा और उन्हें संधि करनी पड़ी। तो 1792 की संधि में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान के ये देखो दो बेटे हैं, इन्हें क्या करना पड़ा, कंपनी के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। टीपू की कहानियां, ठीक है, टीपू की क्या कहानी है, राजाओं की छवि, एक मिनट, राजाओं की छवि अक्सर जन स्तुतियों से भी बनी होती है, प्रचलित किस्सों से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता था कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे, वहां एक शेर ने उनके सामने आ गए और उसकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर क्या हो गई थी, गिर गई थी। फिर भी टीपू सुल्तान ने निहत्ते शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। उसी के बाद से उन्हें क्या कहा जाने लगा था, शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनकी राजसी झंडे पर भी शेर की क्या थी, तस्वीर लगी हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, टीपू सुल्तान, टीपू का खिलौना शेर, ठीक है, यह टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशाल काय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें एक नकली शेर एक यूरोपी सिपाही को दबाए हुए है, जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीखें आवाजें आती हैं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। कहाँ है, तो लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, किसकी रक्षा करते हुए, अपनी राजधानी की, तो अंग्रेजों ने इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्या करें, इसका दूसरा पार्ट कल देखें, चलो देखते हैं, कब देखते हैं, ठीक है, चल थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। मराठों से लड़ाई, मराठों से किस तरह से लड़ाइयाँ हो रही थी वो जानेंगे हम इस लेसन में, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लो, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में, एक 18वीं शताब्दी के, अरे कुछ भी हो जाता है, 18वीं शताब्दी के आखिर में, कब की आखिर में, से कंपनी मराठों की ताकत से को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। जो कंपनी थी वो 18वीं शताब्दी के आखिरी में, किन्हें जो मराठों की ताकत है उन्हें भी खत्म करने की सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने पर मराठों का सपना चूर चूर हो गया, ठीक है। तो 1761 में क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इस चीज की डेट आप याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया, इन राज्यों की बागडोर सिंधिया होलकर, इन राज्यों की बागडोर सिंधिया होलकर गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राज्यों के हाथों में थी। जो मराठा राज्य थे उनकी जो बागडोर थी वो कहाँ पर थी, सिंधिया के पास थी, होलकर के पास थी, गायकवाड़ भोसले इन लोगों के पास थी, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और पानीपत के युद्ध का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सरदार एक पेशवा, एक मिनट, ये सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी कि राजमंडल, ठीक है, तो कन्फेडरेसी और राजमंडल के सदस्य होते थे। जो पेशवा होते थे वो इनके क्या होते थे, राजमंडल के सदस्य होते थे, और पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होते थे। क्या होते थे, तो राजमंडल के क्या होते थे, सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होते थे, किनके, सिंधिया होलकर गायकवाड़ और भोसले राजवंशों के हाथ में बागडोर थी, और पेशवा इनके सर्वोच्च मंत्री और राजमंडल के मेन सदस्य हुआ करते थे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, महादधी जी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी,
कि आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और योद्धा और राजनीतिक बने कौन से? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के क्या बने थे? तो महान योद्धा बने थे। आगे बढ़ते हैं, ये स्टोरी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। एक के बाद एक कई युद्ध में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर क्या किया? मजबूर कर दिया। पहला युद्ध कब हुआ मराठों के बीच? तो पहला युद्ध 1782 में हुआ, और वह किससे खत्म हुआ? सलाबाई की संधि से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि सलाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो मराठों के साथ हुई थी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें कोई पक्ष जीता नहीं था, यानी कि कोई भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ? दूसरी अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, वो कब हुआ? 1803 से 1805 पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि आगरा और दिल्ली के भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में कब आए? तो अंग्रेजों का दूसरा युद्ध हुआ था, 1803 1805 के युद्ध में इनके कब्जे में आ गए थे। फिर अंत में क्या हुआ? 1817 से 19 में तीसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध हुआ, और मराठों की ताकत को क्या किया उन लोगों ने? अंग्रेजों ने पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर, जो पेशवा थे वहां के, उन्हें पुणे से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? बिठूर भेज दिया गया, और उन्हें क्या दी गई? पेंशन पर भेजा, यानी पेंशन देने लगे। अब विंध्य के दक्षिण के स्थित पूरे भाग पर क्या हो गया था? कंपनी का कब्जा हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मराठों की शक्तियां। और जो मराठे थे वो कौन थे? तो महादजी जो सिंधिया क्या थे? आपके इम्पोर्टेंट मराठे हो जाते हैं। और मराठों पर जो पेशवा थे, पेशवा क्या थे? सर्वोच्च मंत्री थे। वो केवल कॉन्फेडरेसी यानी कि राजमंडल के सदस्य होते थे, प्रशासकीय प्रमुख माने जाते थे। कौन? पेशवा, ठीक है। और जो छोटे छोटे राज्य थे वो कौन थे? सिंधिया के, होलकर के, गायकवाड़ के, भोसले के, इन लोगों के राज स्थापित हुए। अब सर्वोच्चता का दावा, ठीक है, सर्वोच्चता का दावा करने वाली का कौन सर्वोच्चता का दावा करेगा? कंपनी करेगी। तो जानेंगे क्या दावा था। उपयोग विवरण को स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी, ठीक है। जो उपरोक्त विवरण के अनुसार हम देख पा रहे हैं, जो कंपनी है वो 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी किस पर चल रही थी? विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, ध्यान से सुनना। लॉर्ड हेस्टिंग कब थे? तो 1813 से 23 के बीच में थे। और इनके नेतृत्व में क्या हुई? सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने की? तो वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह अपनी रियासतों का क्या करते हैं? अधिग्रहण करने और उनका उसको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है, ठीक है। कंपनी क्या कहती थी कि हम ही सर्वोच्च है और भारत की जनता सर्वोच्च नहीं है, भारत का राज्य सर्वोच्च नहीं है, और उनको धमकी भी दिया करती थी, ठीक है। लेकिन यह प्रक्रिया बैरोक टोक नहीं चलती थी, यानी कि बेरोक टोक यह प्रक्रिया नहीं चलती थी। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे राज को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि कित्तूर से किसने विद्रोह किया, तो वो हो जाती है रानी चेन्नम्मा। वो कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक में। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ किया क्या? हथियार उठाया, आंदोलन किया। 1824 में क्या किया गया? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 1829 में जेल में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोली एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने इनका प्रतिरोध किया। क्वेश्चन बन जाएगा कि कित्तूर पर होने वाले विद्रोह में रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद किसने विद्रोह किया? तो वो हो जाती है रायन्ना। रायन्ना कौन था? गरीब चौकीदार था, ठीक है। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिमरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्होंने भी अंग्रेजों ने उन्हें भी यानी कि रायन्ना को भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। कई उदाहरण इस किताब में आप इन बारे में आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो जो कित्तूर विद्रोह था, वहां से कौन कर रहा था लीड? तो रानी चेन्नम्मा कर रही थी। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार करने के बाद किसने कमान संभाली थी? तो रायन्ना ने संभाली थी। गिरफ्तार चेन्नम्मा को कब किया गया? 1824 में। जेल में उनकी मृत्यु कब हुई? 1829 में, ठीक है। और जो रायन्ना थी, उन्हें 1830 में फांसी पर लटका दिया गया था। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूस
के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1830 के दशक में किसके डरी हुई थी, रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर से चलते अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच का 38 से 42 के बीच अफगानिस्तान, कहाँ अफगानिस्तान के साथ क्या किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसने, अंग्रेजों ने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान से एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। कैसा, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि पैसों वगैरह देकर वहां पर अपना शासन बनाया था। 1843 में सिंध पर भी क्या किया, कब्जा कर लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, वहां महाराजा कौन थे, रणजीत सिंह थे। ठीक है, तो सिंध पर कब्जा कब किया, 1843 में, और पंजाब की बारी थी, वहां के राजा कौन हो जाते हैं, रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। और 1839 की मृत्यु के 1839 में क्या हुआ, जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ बताइए, उनकी मृत्यु के बाद दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार 1849 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पंजाब को अधिग्रहण कर लिया, यानी कि पंजाब को पर कब्जा कर लिया 1849 में। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाइज, मैसूर को कब कब्जा किया, पंजाब पर कब कब्जा किया, हैदराबाद पर, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब सर्वोच्चता की नीति हमने देख ली है, अब विलय की नीति पर हम चर्चा करेंगे। किस पर, विलय की नीति, क्या होती है विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो विलय की नीति, व्याप्तगत की नीति, हड़प की नीति, ये तीनों एक ही होती हैं। किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं, यानी कि कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो रियासत उसे क्या कर लेगी, हड़प लेगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें हड़पी गई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीरीज वाइज क्वेश्चन आता है। तो पहले क्या है आपका, पहले सतारा 1848 में, संभलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में कब्जा, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में क्या हुआ, कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण पर ले लिया। तो ये सारे आपको सीरीज वाइज याद रखने होंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 1856 में क्या, अवध का पर नियंत्रण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, इस बारे में अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए थे, यानी कि अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने अवध पर कब्जा किया था। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों ने 1857 में क्या किया, महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, भारत में अंग्रेजी सत्ता का नक्शा है, ये देख लो, येलो कलर क्या है, ब्रिटिश सत्ता को दर्शा रहा है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नए शासन की स्थापना क्या, नए शासन की स्थापना क्या है जानेंगे। नए शासन की स्थापना, इसे डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा रह गया है, चैप्टर फिनिश होने वाला है, ठीक है। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग क्या, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग 1773 और 85 में उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या की, अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बंबई मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी हुई हुई थी, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बंबई, इनको ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक प्रेसिडेंस पे क्या होता था, गवर्नर के पास होता था, हर एक शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिर 1722 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इन व्यवस्था के में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी, एक कौन सी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत होगी, ठीक है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, तो दीवानी अदालत के कौन होते थे, मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे।
मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। ठीक है, फौजदार अदालतों में अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी जिला कलेक्टर की निगरानी में आती थी। ठीक है, तो दो अदालतें थी, एक तो फौजदारी अदालत, एक दीवानी। ठीक है, दो प्रकार की अदालतें बनाई गई थी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित क्या करते थे, कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें, जो फौजदारी अदालतें थी वो भी अभी क्या थी, काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। काजी, काजी क्या होता था, काजी किसे कहते थे, एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती, मुफ्ती किसे कहा जाता था, तो मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाविद जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते थे। तो मुफ्ती क्या होता था, एक मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाविद जो कानून की क्या करता था, व्याख्या करता था, और काजी इसी के आधार पर क्या करते थे, अपना फैसला सुनाते थे। महाभियोग क्या होता था, इस चीज को जानेंगे। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन से किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था, कहाँ से, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन से किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे कहा कहा जाता था, महाभियोग कहा जाता था, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब क्या है, ये वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा लगा था, कैसे लगेगा जानेंगे। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमन बर्क ने उस पर बंगाल के शासन का सही ढंग से ना चलाने पर आरोप जड़ दिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग पर किसने आरोप लगाया था, तो एडमन बर्क ने लगाया था, कब, 1785 में, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा लगा था। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। सिर्फ आपकी 2 स्लाइड्स और बची हैं, फिर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो अदालतें कितनी थी, दो प्रकार की, एक दीवानी एक फौजदारी अदालत चल रही थी। एक बड़ी समस्या आई थी कि ब्राह्मण पंडित, जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के समरूपता लाने के लिए क्या किया गया, 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हॉलहेड ने संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। ध्यान से सुनना, तो जो क्या था, धार्मिक पंडित थे वो क्या करते थे, अलग अलग तरीके से क्या करते थे, कानूनों की व्याख्या कर देते थे। इसलिए इस भिन्नता को खत्म करने के लिए 1775 में 11 पंडितों द्वारा जो संस्कृत का संकलन था, धर्मशास्त्र का था, उसका एक संकलन तैयार किया गया। फिर उस संकलन का एनबी हॉलैंड ने क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और 1778 में यूरोपीय न्यायाधीश ने मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली थी। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1773 में की गई। इस चीज का ध्यान रखेंगे और इनका भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 11 पंडितों ने क्या किया था, कानून का संकलन किया था, और कब, 1775 में, और एन बी हॉलैंड ने उसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कलकत्ता में ये दो प्रकार की अदालतों की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा औहदा होता था। जो भारतीय जिला था वहाँ पर कलेक्टर क्या होता था, सबसे बड़ा औहदा होता था, जैसे कि नाम से ही पता चलता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उस कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पे क्या किया था, ढकेल दिया था। अब कंपनी की फौज क्या थी, कंपनी की फौज जानेंगे कैसे काम कर रही थी। ठीक है, थोड़ा और बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के लिए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, ठीक है, सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। जो मुगल फौज थी वो ज्यादातर क्या थी, घोड़ों पर सवार और पैदल थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, इनकी जो मुगल सेना थी, सेना में सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही क्या करते थे, मुहैया कराते थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो क्या हुआ,
तो सूरत, और सूरत क्या होने लगा, बदलने लगी, वहां की सूरत चेंज होने लगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, यानी कि सिपॉय कहते थे, जो अंग्रेज थे अपनी सेना को सिपाही करते थे, जो भारतीय शब्द किससे बना था, सिपाही से बना था। सिपॉय क्या होता, आर्मी को कहते थे। फिर बात करते हैं 1920 के दशक में, जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था। ठीक है, तो कंपनी की सेना में क्या हुआ, घुड़सवार की टुकड़ी कम होती थी गई। वजह क्या थी, कंपनी बर्मा और अफगानिस्तान, मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मॉस्केट यानी कि मैच लॉक से लैस होते थे। किससे, मॉस्केट यानी कि तोड़दार बंदूक, और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को देख का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। ठीक है, आप देखेंगे क्या होता है मॉस्केट, क्या होता है, तो धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ा होता, क्या होता है धर्मशास्त्र, तो आप तो जानते ही होंगे धर्मशास्त्र किसे कहते हैं। तो संस्कृत की ऐसी कृति जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचार के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। जो धर्मशास्त्र है वो कितने, 500 ईसा पूर्व लिखे गए थे। घुड़सवार, सवार क्या होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं। मॉस्केट क्या होते हैं, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भारी बंदूक। इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछता है मॉस्केट क्या है, तो जो पैदल सिपाही होते थे उनके द्वारा जो बंदूक यूज की जाती थी वो मॉस्केट कहलाते थे। ठीक है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। फिर मैच लॉक, मैच लॉक क्या होता है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी से, माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक है, ये चीजें अब आगे बढ़ेंगे, अब आपका यही रह गया बस, और आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन्हें हाईलाइट कर दिया है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजी एक समरूप सैनिक संस्कृत विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, क्या वे खुद को अपने समुदाय सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं। सिपाही क्या महसूस करते हैं, अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की एक झलक दिखाई। इस विद्रोह के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। मराठे और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की क्या समझ आई, अहमियत समझ में आई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंपनी को अपने घुड़सवार सैनिकों की जो सेना थी उसे मजबूत करने की अहमियत कब समझ में आई, तो मराठों के युद्ध के बाद। ठीक है, किसके युद्ध के बाद, मराठों और या मैसूर के युद्ध के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या होता है पूरा जान लेते हैं, 1 मिनट। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1 मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते क्या बन गई थी, भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक से आने वाली एक प्रक्रिया और तेज हुई। क्या, भाप तकनीकी की प्रक्रिया तेज हुई कब, 19वीं सदी में। तब तक क्या हुआ, तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह समय लगता था। यानी कि पहले क्या होता था, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में कितना समय लगता था, 6 से 8 माह का समय लग जाता था। फिर क्या हुआ, भाप से चलने वाले जहाजों ने एक यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। यानी कि भाप से चलने वाले इंजनों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, जिससे ये यात्रा कितने दिन में हो जाती थी, 3 हफ्ते में हो जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग, 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कब, 1857 तक। ठीक है, देश की शेष भूभाग पर आबादी कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपने नियंत्रण ले चुकी थी। तो इस तरह से कंपनी का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था, और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हें हमने समझाया है अच्छे से, थोड़ा फास्ट लेके चली हूँ,
लेकिन फर्स्ट इसलिए लेके चली हूँ क्योंकि समझाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, जो चीज़ें समझाने योग्य थी वो मैंने समझा दी हैं, जो इंपॉर्टेंट थी उन्हें हाईलाइट कर दी हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, क्लासें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।